बात है कि आपके बच्चे पढ़ने के साथ साथ एक तकलीफी जहन भी रखते हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ रिस्पेक्टेड विशंबर दास शर्मा साहब सर आपको मोस्ट वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती लामात में से हमारे लिए टाइम निकाला और उनके साथ आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं चीफ गेस्ट जो हैं वो सीओ साहब हैं और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जहीर अहमद कैफी साहब एसीआर पुंछ हैं और फिर गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब डीपीओ साहब पुंछ नरेंद्र मोहन सूरी साहब हैं ये भी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। आप जितने भी डिग्नेटरीज मेरे सामने हैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से बफलाज की सरजमीन पे बफलाज की आवाम की तरफ से क्लस्टर हेड और की एम्प्लाइज की तरफ से यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ के हर फर्द और बशर की तरफ से आपको वेलकम करते हैं।
very warm welcome to this wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Dr. Saima Manzoor and today I have the pleasure of being your hostess with this day. करना चाहूंगी अपने प्रिंसिपल सर का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो सके और इतनी अच्छी तकरीब का एहतमाम हो सका और आप तमाम हजरात की भी ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और हमारी इस आज की महफिल को रौनक बख्शी। आप सब जानते हैं कि आज खुशी का मकाम है कि इस मैगजीन ने आपके बच्चों के मजमून और आपके लिए इससे भी ज्यादा मुबारकबाद की बात है कि आपके बच्चे पढ़ने के साथ साथ एक तख्लीकी जहन भी रखते हैं और जब आपके सामने मैगजीन का इजरा करें और तमाम स्टाफ मेंबरान से गुजारिश है और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और काफी सर सीईओ सर डीपीओ सर ने हमारे सब्जी जरीटे को सामने लाया। नहायत मोहतरम चीफ एजुकेशन ऑफिसर पहुंच आज की चीफ गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर सूरी साहब यहाँ पे मौजूद प्रिंसिपल साहिबान खसूसी तौर पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बखलियाज इम्तियाज साहब आज की नहायत मोहतरम और गयूर अहम शख्सियात जो यहाँ रौनक अफरोज हैं उसातज़ाए कराम और इस स्कूल के और आसपास से जो आए हुए स्कूल के तल बच्चे हैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में जो आपने इनकार किया इसका उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इम्तियाज साहब को खुसूसी मुबारक कि ये प्रोग्राम वो इसका इनकार करके इसको अरेंज करके यहाँ उन्होंने एक तारीख रकम की है इसलिए कि बखलियाज हायर सेकेंडरी स्कूल जो अभी जैसे यहाँ जितने मुकर्रीन हैं उन्होंने जो मुझे बताया और कुछ बिकॉज मैं इस इंस्टीट्यूशन में सर्व करके जा चुका हूँ तो मुझे याद है कि उससे पहले भी और उसके बाद भी एनुअल डे स्कूल का यहाँ कभी नहीं मनाया गया। दूसरी बात जो अहम बात और जो एक नया संग मील रहेगा आने वाले प्रिंसिपल साहिबान के लिए कि इन्होंने इस एक मैगजीन जो स्कूल की है उसका इजरा करवाया है। शाम को एक टेलीफोनिक कॉल वसूल हुआ जिसमें प्रिंसिपल बफलाज हायर सेकेंडरी स्कूल जनाब इम्तियाज काजमी साहब उसका भी इजरा हम करने जा रहे हैं अगर हो सके तो आप तशरीफ लाइए। जाती मामला की वजह से मैं शायद ना भी आता लेकिन यो अचानक तेरी आवाज कहीं से आए जैसे पर्वत का जिगर चीर के डरना फूटे या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा आसमानों से कोई शौक सितारा टूटे इसलिए तुम्हें बुलाया और हम चले आए और यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि ये शानदार प्रोग्राम ये जानदार प्रोग्राम ये सदाबहार प्रोग्राम ये गुलो गुलजार प्रोग्राम ये ऐसा प्रोग्राम जो फिल्म देख लिया है कि मिक्स कल्चर हम यहाँ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कश्मीरी डांस देखा यहाँ पे आपने गोजी का बेहतरीन जो धूप में जो मुजाहरा होता है वो आपने देखा अब पहाड़ी जो हमारी शादी होती है यहाँ गांव के अंदर
वो पूरी शादी का जो सिस्टम है वो आपके पास आएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो आइटम किस तरह की है। इसके अलावा भी पंजाबी डांस वगैरह भी हैं, हमने जानबूझ के पीछे रखे थे कि हमारे लोग जो थोड़ा लेट आते हैं तो वो आइटम हमारी वो आराम से देखना। मैं सिर्फ यहाँ तकलीफ करने नहीं आया हूँ, मेरे साथी जो है वो सुचमे हैं, अपने जो बच्चे जिन्होंने पिछले एक दो साल में अच्छी कारकर्दगी की, जिन्होंने पिछले मार्च से लेकर इस वक्त तक चार होस्टेज चलाए और ऐसी असेंबली जो सीओ साहब भी देखते रहते हैं वो करवाते थे, वो सिर्फ उन होस्टेज के जो इंचार्जेस थे, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे लेक्चरर्स थे, चाहे मेरे मासूम बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको आज के इस अजीम मौका पर फैसिलिटेट करूँ। तो सबसे पहले हमारे स्कूल की जो बच्चियां दो हमने सिलेक्ट की हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट है इस स्कूल की, पहले नंबर पर बेस्ट स्टूडेंट जो ऑल राउंड है, जो बच्ची आपके सामने अभी दर्शी का डांस भी कर रही थी, उसने दर्शी की एक आइटम जो है किस तरह से आपके सामने पेश की, ऐसे लगता है कि जैसे बॉलीवुड के अंदर, बॉम्बे के अंदर जो हीरो जो है या कोई हीरोइन पेश करती है।